किस्सा। बॉलीवुड सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह का रायपुर में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित हुआ। कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर गानों का लुत्फ उठाया। स्टेज से हनी सिंह ने आपत्तिजनक शब्द बोले और लोगों की ओर माइक कर उनसे भी अश्लील शब्द बुलवाए। गाने के बीच में हनी सिंह अंग्रेजी के अश्लील शब्द खुद भी बोलते रहे और जनता से भी बुलवाते रहे। वह खुद उंगलियों से ऐसे इशारे करते रहे जिन्हें साइन लैंग्वेज में गाली के तौर पर देखा जाता है। लोग एंट्री गेट में ही बेकाबू हो गए। कई लोग आयोजन स्थल में टीन शेड उखाड़ कर मुफ्त में अंदर घुस गए। अव्यवस्था का आलम यह रहा कि जिन लोगों ने 2 से 5 हजार रुपए देकर टिकट खरीदी वो भीड़ में धक्के खाते रहे और बैरिकेड्स तोड़कर बाउंसर को 500 रुपए देकर लोग स्टेज के करीब जाकर नाचते दिखे। जिस जगह ये कार्यक्रम हुआ उसका नाम श्रीराम बिजनेस पार्क। इस कार्यक्रम के आयोजक भिलाई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक इंद्र सिंह थे। रायपुर में हनी सिंह के कॉन्सर्ट में काफी संख्या में नाबालिग भी पहुंचे थे। उनके सामने स्टेज और पूरे कार्यक्रम स्थल पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बिकनी पहने मॉडल्स के क्लोज शॉट दिखाए गए। इन वीडियोस के चलते कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बहुत से परिवार असहज महसूस करने लगे। कार्यक्रम स्थल पर जगह जगह शराब की ब्रांडिंग की गई थी। नाबालिगों के हाथ में सिगरेट और गांजे से भरी सिगरेट स्टिक्स भी दिखाई दी। कार्यक्रम को छोड़ ये सभी नशाखोरी करने में लगे रहे। इन परिस्थितियों को लेकर कुछ सामाजिक संगठनों ने पुलिस से पहले ही शिकायत कर रखी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।